यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इस सत्ता में आने के बाद घरों के बाहर लगे मीटर उखाड़कर जोहड़ में फेंक देने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। बीजेपी उनके बयान की निंदा कर रही है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भी अभय चौटाला को आड़े हाथों लिया। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले भी चौटाला ने जनता को बिल नहीं भरने के लिए उकसाया था और यही वजह है कि आज बिजली बोर्ड करोड़ों के घाटे में चल रहा है। जो आदमी सत्ता पाने के लिए लोगों को ये कहता है कि बिजली का बिल मत भरो, वो आदमी मर्यादा से बाहर की बात कर रहा है। तो वहीं पीडीपी बीजेपी के टूटे गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समर्थन वापस लेने के बीजेपी के फैसले का जनता दिल खोलकर स्वागत कर रही है। सत्ता पाने के लिए अपने लोगों को ये कहता है कि बिजली का बिल मत भरो, पानी का बिल मत भरो, और उसका खमियाजा आज तक हरियाणा बिजली बोर्ड भुगत रहा है। आज हरियाणा में बिजली बोर्ड का जो घाटा है वो 32,000 करोड़ रुपए का घाटा है।